नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र जिसका षष्ठ सर्ग है वो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है, तो कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से हम पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की 15 और 16 नंबर का जो पद है आपका उसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इस पद को लेते हैं कि पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग, वह अभी पशु है निरा पशु हिंस रक्त पिपासु, बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु, कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण, कि फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मंगल ग्रह के निवासियों की ओर संकेत करते हुए आधुनिक जो मानव है, इस धरती का जो अभिनव मानव है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो प्रसंग में आप ये बात लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों मंगल ग्रह के निवासियों की ओर संकेत करते हुए जो धरती का आज का जो आधुनिक मानव है, अभिनव मानव है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके अर्थ को देखते हैं। इसमें कुछ एक शब्द हैं वो देख लेते हैं। मंगल ग्रह, मंगल जगत का मतलब यहाँ पर मंगल ग्रह के लोग हैं, निवासी, ठीक है, मंगल ग्रह के क्या हो गए, निवासी। तुम्हें छूने को रहा जीव, जीव का अर्थ यहाँ पर मनुष्य के लिए आया है, मानव के लिए आया है, यहाँ ये इस धरती के मानव के लिए आया है। कर रहा उद्योग मैंने प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वह अभी पशु है निरा, मैंने बिल्कुल ही क्या है, वो पशु है, हिंसक, रक्त पिपासु मैंने खून का प्यासा है, बुद्धि उसकी दानवी, दानव की तरह विशाल विकराल है, स्थूल की जिज्ञासु यानी उसको अत्यधिक रूप से जिज्ञासा है, या उसको बाह्य जगत की जो है जिज्ञासा उसको बनी रहती है, जानने की इच्छा। कड़कता है का मतलब होता है इसमें जब उसके भीतर अभिमान जागता है, कड़कता मैंने जागता है, क्या जागता है, अभिमान, घमंड, गर्व दर्प उसके भीतर जागता है। तो फूंकने लगते सभी मत होकर के, मत मैंने मदमस्त, नशे में चूर, मृत्यु विषाण यानी मृत्यु रूपी सींग का बाजा, विषाण माने सींग, ठीक है, सींग का यह बाजा बजाता है, श्रृंगी बाजा बजाता है, मृत्यु रूपी सींग बजाता है, ये भी अर्थ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पशु के समान जिस प्रकार से पशु के सींग होता है उस प्रकार से यहाँ पर बात बताई है। साथ ही यहाँ पर जो विषाण यानी सींग से बना हुआ जो बाजा होता है, ठीक है, सींग से बना हुआ बाजा, ठीक है, तो ऐसे बाजे को वो बजाता है।
प्रतीकात्मक रूप में है ये, उसे बाजा बजाता नहीं है। ये बाजा का अर्थ यहाँ पर विध्वंस की बात बताई है देखिए, या फिर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुका है, या मृत्यु का कहने का मतलब है कोई मृत्यु भी उसके लिए सामने बाधा भी नहीं है। अब देखिए इसका अर्थ कि पर सको सुनो, सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग। रामदास दिनकर जी इस कवि कुरुक्षेत्र कविता में कह रहे हैं कि हे मंगल ग्रह के निवासियों, अगर तुम सुन सकते हो तो सुनिए। हे मंगल ग्रह के निवासियों, अगर तुम सुन सको तो सुनो कि तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग। यानी तुम्हें छूने के लिए इस धरती का जो अभिनव मानव है वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है, यानी मंगल ग्रह पर अधिकार करने का प्रयास वो कर रहा है, या मंगल ग्रह पर अपनी खोज करना चाह रहा है और वहाँ पर अपना जो संसार है वो बसाना चाहता है, वहाँ पर अपना अधिकार करना चाहता है। तो ये बात इसमें बताया है कि पर सको सुन तो, कि ये मंगल ग्रह के निवासियों अगर सुन सकते हो तो एक बात अवश्य सुनो कि तुम्हें ये जो धरती का जो अभिनव मानव है, आज का जो आधुनिक मानव है, वह तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है, अर्थात तुम्हारे ऊपर अधिकार करना चाहता है। किस पर? मंगल ग्रह पर। आगे देखो, वह अभी पशु है, निरा पशु हिंस्र रक्त पिपासु, कि वह आज का जो आधुनिक मानव, विज्ञानवादी सोच वाला जो मानव है, यहाँ पर रामदार्शिक दिनकर जी कह रहे हैं कि आज का जो अभिनव मानव है वो क्या है, वह अभी पशु है, कि वह इतना ज्ञानी होकर के भी पशु के समान कार्य कर रहा है। यहाँ पर वैज्ञानिक सोच को रामदार्शिक दिनकर जी ने मानव के हित के लिए नहीं बताया है, ये मानव के विध्वंस के लिए वैज्ञानिक सोच है, ये बात रामदास दिनकर जी बताना चाहते हैं। तो वो पशु के समान, जैसे पशु नासमझ होता है, उसी प्रकार से आज का अभिनव मानव इतना अधिक ज्ञानी होकर के भी नासमझ है अपने क्रूर कार्यों के कारण। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि वह अभी पशु है, निरा पशु यानी बिल्कुल ही पशु के समान उसका आचरण है। हिंस्र है, वह इतना अधिक हिंसक हो चुका है कि वह हर मनुष्य मनुष्य आज मानव मानव एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आज मानव मानव एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए, खून के प्यासे हो गए हैं, ये बात इसमें बताई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, रामदास दिनकर जी ने आधुनिक जो मानव है, अभिनव जो मानव है, उस मानव को पशु के समान बताया है। वह पशु के समान हिंसक क्रूर हो गया है, हिंसक है, क्रूर बन गया है, और वह एक मानव दूसरे मानव के खून का क्या हो गया है, प्यासा हो गया है। और बुद्धि उसकी दानवीय स्थूल की जिज्ञासु, और उस आज का जो मानव अभिनव मानव है, इस धरती का जो अभिनव मानव है, वैज्ञानिक विचारधारा वाला जो मानव है, जो अपने आप को विज्ञान और ज्ञान का कला का केंद्र मानता है, ऐसा मानव बुद्धि उसकी दानवी है। आज के अभिनव मानव की जो बुद्धि है वो कैसी है, दानवी, दानव की तरह विकराल है। और स्थूल की जिज्ञासु, और वह इस बाह्य जगत को जानने की उसकी इच्छा रहती है। आज के जो मानव है वह अत्यधिक जिज्ञासा वृत्ति वाला है, स्थूल की जिज्ञासु यानी बहुत अधिक वह जिज्ञासु वृत्ति वाला भी है, अर्थात उसे हर चीज को जानने का उसके मन में सदैव, उसके मन मस्तिष्क में ये विचारधारा चलती ही रहती है, वह हर चीज को जानना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्धि उसकी क्या है, विकराल, दानव के समान, जैसे दैत्यों का स्वभाव होता है क्रूरता का, तो इसी प्रकार से उसकी बुद्धि, वो है तो मानव लेकिन बुद्धि उसकी अब जो है दानव की भांति होने लगी है। उसकी बुद्धि कैसे होने लगी है, दानव की भांति होने लगी है, और दानव की भांति होने से वह तरह तरह के क्रूरतम कार्य करने लगा है, और साथ ही साथ आज के अभिनव मानव की बुद्धि भी जो है अत्यधिक जिज्ञासु हो गई है। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, आज के जो अभिनव मानव है, आज का जो नया मानव है, विज्ञानवादी जो सोच वाला मानव है, उसमें किसी बात को पूर्ण करने की, उसको किसी बात को पूरा करने की, उसे किसी बात को साधने की अगर उसकी इच्छा हो गई तो उसमें फिर वह उस कार्य को पूर्ण करके रहता है।
यानी अपने साधना को वो पूर्ण करता है। अपने किसी भी कार्य को जब उसके भीतर किसी नए कार्य की खोज वो करता है, करना चाहता है, तब वह उस कार्य को करने की क्या करता है, तब उसके भीतर जब कार्य को पूर्ण करने की बात की, कार्य मैं पूरा करके ही रहूँगा, इस प्रकार का जब भाव उसके भीतर जाता है, तो किसी का जब कभी अभिमान कड़कता है, यानी उसको हर कार्य को पूर्ण करने की जो भावना जो है अत्यधिक भावना से उसके भीतर अभिमान को जागृत है वो कर देती है, अर्थात उसको इस बात का गर्व है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या इस प्रकार से वह किसी कार्य को पूर्ण करने में जो पूरी मेहनत से लगन से वो इस प्रकार से लग जाता है कि उस कार्य को पूर्ण करके ही मानता है, तो इस प्रकार से उसमें क्या आ जाता है, अभिमान या जो दर्प है, घमंड है, उसका वो कड़कता है यानी जागता है। और तब वह फूंकने लगते सभी ओ मत मृत्यु विषाण, तब वे धरती के लोग, ऐसे वैज्ञानिक सोच वाले लोग फूंकने लगते सभी ओ मत, मने मदमस्त होकर, नशे में चूर होकर, किस नशे में, अपने ज्ञान और बुद्धि के नशे में, अपने क्रूरतम कार्यों के नशे में मदमस्त होकर के सभी फूंकने लगते मृत्यु विषाण, यानी मृत्यु रूपी श्रृंगी की जो बाजा है, यमराज का जो श्रृंगी बाजा है, उसको बजाने लग जाते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो मानव है, आज का जो वैज्ञानिक विचारधारा वाला मानव है, वो अपने इस प्रकार से कार्य करता है कि उस कार्य में मृत्यु भी उसके सामने बाधा नहीं पहुंचा सकती, अर्थात मृत्यु भी बाधा न पहुंचा करके उसकी सहयोगी बन जाती है। ये बात इसमें कहना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो विज्ञान के यहाँ पर विचारधारा वाला जो आज का मानव है, उस पर कटाक्ष किया है, आक्षेप किया है, ठीक है। तो आज का मानव जो भी कार्य करना चाहता है, साधना चाहता है, वह हालत में पूरा करना करके ही मानता है, और उस समय उसके लिए मृत्यु भी उसके मार्ग में बाधा नहीं आती, बाधक नहीं बनती, अपितु उसकी सहयोगी बन जाती है, ये बात कहना चाहते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों, अभिनव मानव की शक्ति, साहस और उसकी परिश्रमशीलता की जो विशेषता है या व्यंजना है, वो की गई है कि आज का जो मानव है उसकी जो किस प्रकार से वह इतना अधिक जिज्ञासु है, उद्यमी है, कार्य करने में वह बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, और इस प्रकार की विशेषता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जिज्ञासु भी है और हर कार्य को पूर्ण करने का इसमें हिम्मत है, साहस है, शक्ति है, और साथ ही साथ भविष्य में वह मंगल ग्रह पर मानव के उतरने की आशा भी यहाँ पर व्यक्त किया है कि मानव का मंगल ग्रह पर है वो निवास स्थान हो जाए, ऐसे ही संभावना भी होने लगी है, या ऐसी भावना अभिव्यंजित की गई है। आज के वैज्ञानिक तरह तरह के नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और नए ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर जीवन की तलाश हो जाती है, वहाँ पर रहने योग्य ऐसा वातावरण मिल जाता जो धरती पर है, तो फिर वहाँ पर भी वह अपना अधिकार जमा लेगा, वहाँ पर भी अपना संसार है वो सजा लेगा, इस प्रकार का भाव इसमें व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास है, रूपक और उपमा प्रायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, रूपक उपमा और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और छंद की यतिगति उचित है, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, भावाभिव्यक्ति प्रखर है, इस प्रकार की बातें यहाँ विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद देखते हैं कि ये मनुज ज्ञानी श्रृंगालों कुकरों से हीन, हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन, कि देह ही लड़ती नहीं है जूझते मन प्राण, सात होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल, कि वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। तो ये कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर बताई है रामदार्शिक दिनकर जी ने, कि यहाँ पर प्रस्तुत जो पद्यांश कवि रामदार्शिक दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है, और इसमें आधुनिक मानव को जो है अत्यधिक श्रेष्ठ प्राणी बताया है। श्रेष्ठ प्राणी बताते हुए भी वह अपने नीच कार्यों से स्वयं ही जो है पतन के मार्ग पर जा रहा है, ये बात भी बताया है। हालांकि वह बहुत ज्ञानी विज्ञानी है, सोच वाला है, लेकिन फिर भी अपने क्रूर आचरणों से, युद्ध पिपासा से, युद्ध की इच्छा से, अत्यधिक मानव की पशु प्रवृत्ति से, विनाश के साधनों से वह अपना अहित करना अहित वो करता जा रहा है,
तो आज के मानव पर एक तरह से रामदास दिनकर जी ने इस पद में आक्षेप किया है। आधुनिक मानव की इस वैज्ञानिक सोच के कारण जो उसके भीतर युद्ध करने की इच्छा, मानव मानव का खून का वो प्यासा बनता जा रहा है, संघर्ष करने को उतारू है, युद्ध करने को उतारू है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताने की कोशिश की है किस प्रकार से आज का मानव क्रूरतम व्यवहार पर उतारू होने लगा है, तो इसकी अभिव्यंजना की है, इस पर आक्षेप किया गया है, कटाक्ष किया गया। देखिए कि ये मनुज, मनुज का अर्थ हो गया मनुष्य, ज्ञानी है, बहुत अधिक ज्ञानी विज्ञानी है। श्रृंगालों का अर्थ होता है सियार, गिद्दड़, सियार या गिद्दड़। कुकर मने कुत्ते से हीन है, यानी इनसे भी कम है, कमतर है, ठीक है, इनसे भी कम है, वो हल्का है। और किया करता है अनेकों क्रूर क्रम मलिन, कि आज का जो मानव है अनेक प्रकार के क्रूर, जो भयानक, विभत्स, मलिन, मलिन माने जो अपवित्र हो, अस्वच्छ, ऐसे अस्वच्छ कार्य करता हो, भयानक विभत्स कार्य करता है, कार्य करता है। और देह ही, देह माने शरीर ही लड़ती नहीं, शरीर ही नहीं लड़ता अपितु जूझते माने प्राण संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं संघर्ष? मन और प्राण भी संघर्ष करते हैं। साथ होते ध्वंस, ध्वंस माने विनाश। इसके कला विज्ञान, और इस कला और विज्ञान के कारण वह अपना ध्वंस करता है। कला और विज्ञान भी इसमें सहयोगी है, उपकरण ऐसे बनाते हैं, ऐसे हथियार आयुध कर अपना आविष्कार कर चुका है, कि इसे कला और विज्ञान भी उसके लिए क्या बन गई है, विध्वंस का सहायक बन गई है। और इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल वज्र होकर के भी, वज्र मन कठोर इंद्रकास्त्र होता है उसको बोलते हैं वज्र, तो वज्र के समान वो क्या हो गए हैं, कठोर होकर के छूटते शुभ धर्म, यानी जो मानवता का शुभ धर्म है वो भी अपना वो भूल गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ इसका कि आज का मानव, अभिनव मानव, रामदास दिनकर जी कहते हैं कि आज का जो मानव है इस संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना है। मानव है वो क्या है, इस संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना है, वो ज्ञान और विज्ञान का, कला का केंद्र माना जाता है। और इस ज्ञान और विज्ञान और कला के केंद्र वाला ये जो श्रेष्ठतम प्राणी है मानव, वो भी आज अभिनव मानव जो एकदम वैज्ञानिक सोच पर अपने आप को, अपनी बुद्धिवादी सोच पर घमंड करता है, तर्कवादी सोच पर घमंड करता है, अहंकार करता है, इस कारण से ये जो वैज्ञानिक मानव है, अभिनव मानव है, वह श्रृंगालों यानी सियार, गिद्दड़ और कुत्तों से भी हीन हो गया है, नीच हो गया, दुष्ट हो गया है। जिस प्रकार से सियार और गिद्दड़ या सियार गिद्दड़ या कुत्ते जो है, जिस किस प्रकार से हिंसक होते हैं, क्रूर होते हैं, रक्त के पिपासु होते हैं, और वह इतना क्रूरतम कार्य कर लेते हैं क्योंकि वो पशु है। और ठीक उसी प्रकार से रामदास दिनकर जी ने यहाँ पर बताया कि आज का जो वैज्ञानिक मानव है, जो तरह तरह के विध्वंसक कार्य कर रहा है, विध्वंसक उपकरण बना रहे हैं, विध्वंसक आविष्कार कर रहा है, जिससे मानव सभ्यता का नाश होगा, सभ्यता नाश पर है वो खड़ी है, विध्वंसता पर खड़ी है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन सी सोच है, वैज्ञानिक सोच है, वह वैज्ञानिक सोच जहाँ मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए, वो मानवता के पतन की ओर, विध्वंस की ओर हो रही है। ये बात यहाँ पर रामदास दिनकर जी यहाँ पर चरितार्थ करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फिर ये जो श्रृंगाल और कुकरों से, यानी ये जो सियार और कुत्तों से भी गए गुजरा है मानव आज का हीन है, और किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन, कि आज का जो अभिनव मानव है वो कहने को तो ज्ञानी विज्ञानी है, लेकिन वो कर्म गिद्दड़ और कुत्तों से भी हल्के कर रहा है, और अनेकों वह क्रूर भयानक विभत्स कार्य कर रहा है, जिससे मानव मानव का खून का प्यासा हो गया है। आज का मानव दूसरे मानव को किस प्रकार से अपने आणुद आयुधों से भयानक भय उसको पैदा कर रहा है, एक देश दूसरे देश पर शक्ति के बल पर, इन्हीं वैज्ञानिक आविष्कारों के बल पर दबाना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, उस पर अपना आधिपत्य जो है स्थापित करना चाहता है,
केवल किसके दम पर, उस वैज्ञानिक सोच और तर्क बुद्धि के बल पर, अपने इस वैज्ञानिक आविष्कारों, वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र आयुधों, अणु आणविक आयुधों के बल पर। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानव आज का भयानक विभत्स क्रूर कर्म कर रहा है, किस भांति सियार और गिद्ध और कुत्तों की भांति। देह ही लड़ती नहीं है, जूझते मन प्राण। आज का जो अभिनव मानव है, इस प्रकार के क्रूर और विभत्स कार्य करते हुए उस समय उसके शरीर ही नहीं लड़ता, अपितु इस संघर्ष में मानव मानव का जो संघर्ष है उसमें मन और प्राण भी लड़ते हैं। देह ही नहीं लड़ती, शरीर ही नहीं लड़ता, अपितु मन और प्राण भी इस कार्य में जूझते हैं। ठीक है ना, तो जूझते हैं ये एक दूसरे के, संघर्ष करते हैं, और उस समय शरीर ही नहीं लड़ता, उसके मन और प्राण भी युद्ध के पिपासु बन जाते हैं। और साथ ध्वंस में उसके कला विज्ञान और विज्ञान और कला की जो प्रगति हुई है, विज्ञान और कला की जो प्रगति हुई है वो मानव के हित के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ये विज्ञान और कला का जो आविष्कार हुआ या विज्ञान और कला की जो उन्नति हुई है वह भी मानव के विनाश का, ध्वंस का कारण बन रही है, अर्थात सहायक बन रही है। ये जो आधुनिक जो विज्ञान और कलाएं हैं, इस कला के कारण ये विज्ञान और कला मानव के विध्वंस का, पतन के सहायक बन रही है, सहायक उपकरण बना करके जो है सहायता कर रही है। किस लिए सहायता कर रही है? मानव 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 सभ्यता के विनाश की सहायता कर रही है। इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल और वज्र होकर छूटते, शुभ धर्म अपना भूल। बहुत सुंदर पंक्ति कही है रामदास दिनकर जी ने कि आज का जो मानव है उसके हाथ में ये विज्ञान रूपी जो फूल है, ये विज्ञान रूपी जो फूल है उसके हाथ में है। ठीक है, इस विज्ञानवादी विज्ञान के रूपी जो फूल है वह आज वज्र से भी कठोर होकर छूटते हैं, मानवता के धर्म के लिए, मानव मानव की सभ्यता के लिए। मानव सभ्यता में यह फूल कहने को तो विज्ञान के अच्छे अच्छे आविष्कार है, लेकिन ये आविष्कार उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। आज के मानव के आविष्कार मानव पर ही भारी पड़ रहे हैं, वो वज्र के समान प्रहार करते हैं। दिखते तो फूल से हैं लेकिन प्रहार वज्र का सा करते हैं, जिससे पूरी मानव सभ्यता खतरे में आ गई है। ये बात कही गई है कि इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल वज्र होकर छूटते, शुभ धर्म अपना भूल। शुभ धर्म कौन सा था? मानव मानव के हित करने का भाव, परोपकार का भाव, एक दूसरे भाईचारे का भाव, ये भाव था शुभ भाव, मानवता की रक्षा का भाव था। लेकिन आज अभिनव मानव ने, आज के इस आधुनिक मानव ने अपनी इस विज्ञानवादी सोच से, तर्क बुद्धि सोच से आविष्कार तो बहुत अच्छे अच्छे कर लिए, लेकिन इस आविष्कार का जो परिणाम है, यानी आविष्कार भी ऐसे कर लिए हैं जिस जो आविष्कार स्वयं मानव के लिए भी जो है भारी पड़ रहे हैं, उसकी उसकी अस्तित्व के लिए बाधक बनता जा रहा है, विध्वंस का कारण बनता जा रहा है। ये नए नए आयुध, आणविक परमाणु, अणु परमाणु का जो आविष्कार है, ये मानव सभ्यता के लिए पतन का कारण बनेगा, विध्वंस का कारण बनेगा। इसीलिए आज मानव केवल इसी विज्ञान के दम पर, जिस देश के पास ये विज्ञान की पावर है, शक्ति है, वह देश अन्य देशों को भयभीत कर रहा है। यह आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो विकसित देश कहे जाते हैं वो विकासशील देशों को इसी के दम पर तो भयभीत करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कोई देश बोले तो मैं परमाणु हमला कर दूंगा, परमाणु युद्ध कर दूंगा। तो इस प्रकार से यह भय का माहौल आज मानव ने अपने इसी विज्ञान के आविष्कारों से, एक मानव दूसरे मानव का खून का प्यासा बन रहा है, दूसरे मानव को मिटाना चाहता है, ये बात है। तो वो मानवता का जो शुभ धर्म था, मानव मानवता के परोपकार का जो शुभ कल्याण का जो शुभ धर्म था, वो अब भूलता जा रहा है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये भाव समझ में आ गया होगा। तो मानव के हित के लिए जो वैज्ञानिक आविष्कार जो अपनाए गए थे, वो आज मानवता के जो मानव है उस मानवता रूपी धर्म को भूलता जा रहा है। वह ऐसा क्रूर आचरण कर रहा है जिससे फूल भी वज्र होकर के विध्वंस कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि आधुनिक युग में
जो अणु आयुध जो है अस्त्र शस्त्र है उसके भय, उसके विनाशकारी प्रयोग आदि की ओर संकेत किया गया। इसमें ध्यान रखना आधुनिक मानव सभ्यता में, आधुनिक मानव में व्याप्त जो ये आणविक हथियार है, ठीक है, हथियार है, उसका भय और उससे विध्वंस होने का भय, इसका चित्रण है वो किया गया है इसमें, ठीक है। इससे मानव सभ्यता खतरे में है, इसकी ओर संकेत करके मानव को क्या बताया है, हिंसक पशु के समान क्रूर बताया है। पशु तो ना समझ है, जिस प्रकार से पशु ना समझ होता है वो कई बार अपना ही अहित कर देता है, लेकिन मनुष्य तो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, फिर भी ये ऐसे क्रूर उसकी बुद्धि होती जा रही है जिससे स्वयं मानवता के लिए वो खतरा बनता जा रहा है। अर्थात मानव सभ्यता का अस्तित्व जो है अत्यधिक खतरे में है, ये भाव संदेश समझाना चाहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। तो आज का बुद्धिवादी विज्ञानवादी मानव स्वयं अपना ही अपने मानव सभ्यता का अहित करने लग गया है। अलंकार प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास उपमा पर्यायवाची अलंकार है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास उपमा और पर्यायोक्ति अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों, और व्यंग्य की सशक्त अभिव्यंजना इसमें की गई है। रामदास दिनकर जी ने विज्ञान की कड़ी यहाँ पर इन पंक्तियों में विज्ञान के लिए कड़ी जो है कटाक्ष किया है, कड़ा कटाक्ष किया है, आक्षेप किया है, सशक्त अभिव्यंजना हुई है व्यंग्य की। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है दोनों समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रामदास सिंह दिनकर जी की आगे की पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करोगे तो आपके नए नए नोटिफिकेशन आपको इसमें आते रहेंगे, ठीक है, यानी जो भी आपके लेक्चर होंगे वो सब के सब व्याख्यान है वो उसमें आते रहेंगे, इसीलिए इनको सब्सक्राइब जरूर करना और इनको याद करना प्यारे विद्यार्थियों। ये जो नोट्स है आप नोट्स बना करके इन व्याख्याओं को याद कीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।